अ यूनिक रिपोजिटरी का रिपोजिटरी ऑफ शिवालिक बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं, ये वाला रास्ता मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये हरिद्वार जाता है इधर, ठीक है, और बैराज भी चला जाता है। और यहाँ पे देखिए पैदल जाने का रास्ता, नीलकंठ महादेव जाने का पैदल मार्ग, बैराज जाने का रास्ता, ये बैराज आगे वो झरना वरना भी बना है ना, झरना हाँ झरना भी है, उसमें नहाया हुआ जाएगा। पैदल निकल चुके स्वतंत्र भाई, और नीचे भी सेम ही लिखा हुआ है, और मुझे पता ही नहीं था। चाय बनाते हैं, चाय कितने का है? चार दस रुपए की, ऐसा करो पियोगे तुम चाय? चलो बना ही, तीन कप चाय बना दो, चाय बना दो। रोटी कैसे क्या देते हैं? तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप लोग, बाबा की टपरी से हम लोग, मतलब टपरी बोलेंगे छोटी सी बना के रखते हैं, दिन में ये रहती है, रात में वो गायब हो जाती है, नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि दिन में अकी दुकान लगाते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने चाय वाय पी ली है, ठीक है, और भाई भी पीछे, और हम लोग अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि 12 बजे का टाइम हो रखा है और मौसम ख़राब हो गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, वीडियो से ही पता चल रहा होगा, काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी अभी 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 भी जैकेट उतारी थी हम लोगों ने, और इस वजह से ठंड हो गई हल्की सी, पर चलते हैं यार। स्वतंत्र भाई कहीं खो गए हैं? खो नहीं गए हैं, वो पीछे वीडियो शूट करने में लगे हैं। आप लोग जुगो के दिखाता हूँ, ये खलनायक भाई साहब गजब, इधर से आ रहे स्वतंत्र भाई, इस रास्ते से भी हम लोग आए हैं। और ये भाई साहब नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, अभी थोड़ी दूर आओ चल के 1.5 किलोमीटर हम लोग पहुँचे हैं, कहा और ऐसे स्थान पे जहाँ पे छाया वाया का इंतजाम है। तो भाई साहब देख सकते हैं करीब आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था अभी पहले कि मैं यहाँ पे बारिश की वजह से रुक रहा हूँ, तो उस समय काफ़ी स्लो बारिश थी, धीरे धीरे तेज़ हुई बारिश का पानी भी बहने लगा यहाँ से, ठीक है। और अभी ये जब ये सोचो कि टीन का ये टीन की छाव मिल गई थी, इस चक्कर में यहाँ पे बैठ गए, बोले बाबा की कृपा है जो ये स्थान मेरे को मिला, और यहाँ से ही बारिश स्टार्ट हुई है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी टपक रहा है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आधे घंटे से मस्ती वस्ती चल रही है, ठीक है, और क्या बताएं, अगर ये देखिए ये देखिए हाथों पे पानी टपक रहा, ठीक है, तो अभी चला जाएगा यहाँ से ये मस्ती। भाई साहब अभी बारिश हो चुकी है बंद, करीब आधे से पौन घंटे मैं बैठ के यहाँ पे चल रहा हूँ अभी, और ये देखिए सीढ़ियाँ टाइप से पड़ रही हैं ऊपर जाने के लिए, और अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे चल रहे हम लोग ऊपर, ये देखिए फिसलन बहुत ज़्यादा यहाँ पे है जैसा कि देख सकते हो, और पाम भी स्लिप हो रहे हैं, रास्ते देख सकते हो कितने सकरे रास्ते, यानी कि पतले रास्ते हैं, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है यहाँ से। तो आप लोग जो है ऋषिकेश का यहाँ से देख सकते हो, तब एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है यार, थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं। और बारिश फिर से तेज़ हो गई है, हम लोग यहाँ से अभी आ रहे हैं ये ऋषिकेश, यहाँ से चलने वाले ऊपर, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यार, इससे ज़्यादा खतरनाक चढ़ाई मैंने आज तक कभी नहीं की है। मैं करीब 2-3 बार पहाड़ों पे गया हूँ, अलग अलग जगह पे, राजस्थान पे कई पहाड़ों पे गया हूँ, पर उत्तराखंड के ये पहाड़। तो अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा था, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में पीछे बैक कैमरे से दिखाया है, काफ़ी गजब व्यू यहाँ से आ रहा है ऋषिकेश का यार, ये देखना हल्के से, थोड़ा मौसम ख़राब हो रखा है, बूंदे पानी की गिर रही है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये पीछे है नहीं दिख पा रहा क्योंकि धुंध सा ज़्यादा है यहाँ पर ना, पहाड़ों के ऊपर जब चढ़ जाओ तो धुंध होता है ठंड को में, वो है इस समय। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को और भी आगे के इंटरेस्टिंग खतरों का सामना कराते हैं, है ना। और ये इधर से घूम के काफ़ी आगे से गया हुआ है, तो सत्येंद्र भाई तो कुछ निकल चुके हैं वहाँ पे, भाई भी चल रहा अपना, हम भी चलते हैं, कितना ऊंचा चढ़ाई है यहाँ से।
अभी दोस्तों देख सकते हैं कितना यार पसीना पसीना है, और इतनी तेज धूप मतलब है, धूप तेज नहीं है, हवा तेज चल रही है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद लग रही है। और कभी कभी तो ऐसे जंगलों के बीच में होता हूँ, जैसे इनके नीचे रास्ते थे आप लोग देखे थे, वहाँ पे काफ़ी गहरा है, यहाँ पे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट हम लोगों ने लिए हैं यार, अगर इसी रोड से आते ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अभी करीब यहाँ से 5 किलोमीटर और है क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप लोग, और हवा आप लोग महसूस कर सकते हो कि कितनी तेज़ यहाँ पहाड़ों पे चल रही है, और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, पीछे का व्यू दिखा हुआ है सब, ये एक अलग ही नज़ारा है यार यहाँ का, मतलब एक अलग ही, थक रहे वो बात अलग है लेकिन इन्जॉयमेंट फुल है यार, लाइफ में हम कभी नहीं ऐसा इन्जॉय किया है, अभी जवानी है तो कर लेते हैं, बुढ़ापे में कहाँ चल पाएंगे रास्ते। तगड़ा आ रहा है ना ऋषिकेश का, और बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोग ऋषिकेश के पहाड़ों पे टहल रहे हैं, और ये सकरा सा रास्ता जा रहा है इसमें नागेंद्र भाई स्वतंत्र भाई जा रहे हैं, और धूप कैसे खिलके आ गई देखो, बहुत सकरा रास्ता है, इधर गए तो मानो नीचे गए यहाँ से। तो चलिए दोस्तों चलते रहते हैं, ये देखिए इस वाले हम लोग पुल से अभी आए हैं, कहाँ गई मेरी उंगली भाई दिख जाओ ज़रा, इस वाले पुल से अभी हम लोग आए हैं ना, ये पूरा है ऋषिकेश क्योंकि इस पेड़ के पीछे है पूरा ऋषिकेश, ये सामने के नज़ारे, स्वतंत्र भाई कुछ ऊपर की तरफ चल चुके हैं और हम लोग भी पूरी प्रयास करेंगे ऊपर चलने की, अभी आधा रास्ता तय करना 4 किलोमीटर का। अभी देख लो आप लोग भाई बड़ी ख़तरनाक जगह पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए देख के ही चक्कर आ रहा है, और थोड़ा ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं, दौड़ रहे हैं सर अपने दिल पे पत्थर रख के भाई, तो दौड़ने का कुछ बनता नहीं है यहाँ पे। अभी आप लोग देखना कितनी यहाँ पे हालत मेरी ख़राब हो चुकी है, और काफ़ी ऊपर आ गए हम लोग, अभी सत्येंद्र भाई और नागेंद्र भाई वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ से जब का ही नज़ारा दिखता है ऋषिकेश का, वहाँ एक लगा है टावर, वहाँ तक शायद चल रहा है मुझे वहाँ तक, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों घबराए नहीं चढ़ाई समाप्त ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि बाबा जी ने नीचे भी बताया था, पानी वानी हम लोगों ने पिया वहाँ पर, तो यहाँ पे बताया था कि बस बेटा दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से क्या करना है आप लोगों को अब नीचे की तरफ 2 किलोमीटर उतरना है, क्योंकि हम लोग पूरा पहाड़ घूम के आए हैं, ठीक है, और 6.5 किलोमीटर चल के आए हैं वहाँ से। अभी सावन में यहाँ पे मतलब होता होगा चहल पहल सब, ये दुकानें मेला चलता है तभी, ये दुकानें अभी तो खाली पड़ी है ना, यहाँ पे खाली पड़ी है, खुलेंगे शिवरात्रि से। वाह सतन भाई क्या आ रहा, मज़ा आ रहा, ब्लर हो गया यार यहाँ पे, ये देखो यार कैमरे में तो पास ही लग रहा होगा आप लोगों को, पर फटी हम लोगों की है यार चढ़ने में। तो भाई साहब वेदर काफ़ी यहाँ का अच्छा है, ठीक है, और फिर से बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, पर अच्छी बात यह है जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया था पीछे कि यहाँ से अब हमें नीचे उतरना है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, ठीक है, और ऊपर की तरफ नहीं जाना, ये जान के खुशखबरी हो रही है, और सामने का जो व्यू है वो तो मैं ही महसूस कर सकता हूँ, और मेरे साथ में साथ वाले महसूस कर सकते हैं, ठंड के मारे भाई आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि हवा देख सकते हैं मेरे बालों से कितना मतलब तेज चल रही है, बोलना भी तेज पड़ रहा है, और अभी यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग उतर रहे हैं ना, और ये सामने का व्यू आप लोग देखते ना, मैं कैमरे से दिखाऊंगा, हवा देख सकते हो आप लोग कितनी तगड़ी चल रही, और यहाँ पे नीलकंठ मार्ग मैं बैक कैमरे को ऑन करके दिखाता हूँ ना, ये रहा दोस्तों नीलकंठ मार्ग, ठीक है, और यहाँ से देखिए सीढ़ियाँ हैं, सॉरी मेरे अंदर भी राजस्थानी थोड़ी सी भाषा आ गई है चंद भाई के साथ में रहने से, सीढ़ियाँ वगैरह बोलने लगा हूँ मैं सीढ़ियों को, और ये व्यू, ये जो पहाड़ों की कटिंग है ना, ये देख के मेरे को अच्छा नज़ारा लग रहा है क्योंकि सामने से एक अलग ही फील आता है इसको देखने से। तो अभी हम लोग नीचे की तरफ चल रहे हैं, ये खुशखबरी वाली बात है, वरना चढ़ नहीं पा रहे तो ऊपर यार हम लोग। और चलने के बाद भाई साहब यहाँ पे मार्ग श्री नीलकंठ महादेव मंदिर वे टू नीलकंठ टेम्पल, और ये नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, जो है भक्तगण वहाँ से आ रहे हैं, और सामने श्री नीलकंठ मंदिर मार्ग, क्या बात है भाई साहब ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मंदिर के बगल में बिल्कुल, और अभी काफ़ी जो है 2 किलोमीटर नीचे आ गए ना हम लोग, मतलब पहाड़ की चोटी पे पहले गए 6-7 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद फिर 2-2.5 किलोमीटर नीचे आए हैं, आप देख लो क्या बात है, मतलब पहाड़ों के बीचों बीच में ये बाबा नीलकंठ महादेव का मंदिर है, ये देखो पीछे भी बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं, और काफ़ी तेज़ फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, तीसरी बार ऐसा हुआ कि यहाँ तक पहुँचने में हमें बारिश का सामना करना पड़ा है, तो हमारा टाइम लग गया है करीब 3.5 घंटे का यहाँ तक पहुँचने का, तो काफ़ी अभी तो धूप निकली है, बारिश का एकदम गजब का नज़ारा चल रहा है, और आंधी तो हवा का कहना ही नहीं, वो तो कैमरे में आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं बैक कैमरे को ऑन करके दिखाते हैं यहाँ का व्यू, क्या ये रहा भाई साहब मंदिर देख सकते हैं, साउथ इंडियन की जैसा बिल्कुल इंडियन है, जैसे साउथ इंडियन में बने होते हैं उस टाइप से है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें कलाकारी दिखाई गई है, और ये 3 मिनट से दुकानें बंद हुई हैं, ये देखो। तो भाई साहब हमारे साथ में कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे कहते हैं कहावत है ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, मतलब ऐसा वाला एक इंसिडेंट हो गया है, वो इसलिए है क्योंकि सतन भाई भी देखो पीछे जा चुके हैं, और
योगेंद्र भाई भी जा चुके पीछे। और ये सिस्टम ये हो गया, देखो ड्रायर वगैरह मार के आया था, सब वैसे ही हो गया ना पसीने पसीने में। तो अभी क्या हो गया, जो झरना मैं बता रहा था पीछे वीडियो में आप लोगों को, तो वो कुछ नहीं है, ये पाइप से पानी आता है और मुझे पता भी नहीं है कहाँ से पानी आता है। बोलते तो यही है कि सब ये पहाड़ों वहाड़ों से पानी आता है, पर यार ये जहाँ पे गिर रहा है ना वहाँ पे ज़्यादा फिसलन है और थोड़ा गंदगी भी बनाए रखी है। अगर कुंड वगैरह जैसा बना होता तो उसमें नहाया जाता है ना, उससे अच्छा है कि इस झरने में नहाने से अच्छा है कि गंगा जी बह रही हैं यहाँ पास में भी अपने, और हरिद्वार में भी और ऋषिकेश में भी, वहाँ जाके ही नहा लेंगे भाई साहब, है ना। तो यहाँ से पहले आप लोगों को बता दें, यहाँ पे श्री नीलकंठ महादेव जी के मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, एक ही फ्रेम में ले लेता हूँ। ये देखिए आप लोग पढ़ सकते हो वीडियो। ये जा रहा है कुछ मंदिर की तरफ रास्ता, तो यहाँ पर अभी हम लोग चल रहे हैं, सत्यन भाई आगे चल रहे हैं और हाथ मुँह धुल रहे हैं, तो थोड़ा सा हाथ वो धुल रहे हैं, वैसे हाथों तो धुल के आ ही रहे हैं हम लोग, पर ये पानी बहुत ठंडा आता है यार, गर्मियों में एकदम मज़ा आ जाता है। मंदिर मार्ग यहाँ पर है, तो चलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धाम है तो दुकानें मिल जाएंगी। एकदम नज़ारा अच्छा सा आ गया ना यहाँ पे, सामने मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके से है, धूप निकल आई है इस टाइम और मंदिर के झंडे से आप लोग समझ रहे होंगे कि हवा कितनी तेज़ चल रही है यहाँ पे। देखिए दुकानों में और पैर के जूते जो निकाल दिए ना हमने, तब तो अजब सी ठंडी वाइब घुस रही है शरीर में, ऐसा लगा कुछ अलग ही माहौल है। और ये देखिए इधर से अभी हम लोग आए हैं और मंदिर कुछ ये है, थोड़ा साउथ इंडियन टाइप से बना हुआ है ना, पास से चल के दिखाते हैं। वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउ है या नहीं है, ये गेट ये है कुछ यहाँ का, तो चलिए हम ऊपर भी चलने की, फ़ोटो खींचना मना है यार, तो यहाँ से बंद करना पड़ेगा वीडियो हमें, और फ़ोटो खींचना मना है। यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये यहाँ पे लिखा हो फ़ोटो खींचना मना है ना, तो फ़ोटो नहीं खींचेंगे हम लोग और ना ही वीडियो बनाएंगे, दूर से ही बनाएंगे जो भी बनाएंगे। तो यहाँ पे चल रहा है सत्येंद्र भाई का सूट है ना, ये यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को, कुछ ना कुछ तो हरिद्वार से लेकर ही चलेंगे जब आए हैं, तो कुछ ना कुछ ऋषिकेश से भी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, अंदर से फ़ोटो खींचना मना है, बाहर से खींच सकते हो आप लोग है ना, बाहर से काफ़ी लोग कैमरे वैमरे रखे हैं, अंदर नहीं ले जा सकते, मूर्ति वगैरह जो रखी होगी उसका नहीं ले सकते आप लोग। यहाँ पे हवन कुंड है और यहाँ पे हवन वगैरह किया जाता है, जब भी किया जाता होगा यहाँ पे भी मना है फ़ोटो खींचना अंदर, तो चलिए होना भी नहीं चाहिए छेड़छाड़ यार। तो देख लीजिए आप लोग, यही था जो कि था इतनी देर की मेहनत जो थी वो इन पहाड़ों के बीच में ये बसे, बाबा नीलकंठ महादेव जी के मंदिर का नज़ारा कुछ इस कदर था। ये था मंदिर जो कि काफ़ी भव्य है, और काफ़ी अभी तो नहीं मतलब सावन के महीने में निकलने की जगह भी नहीं मिलती, पैर रखने की भी जगह श्री नीलकंठ है ना, तो यहाँ पे जगह भी नहीं मिलती रखने की पैर, लोग ऐसा आके बताते हैं और पैर तो बिल्कुल ठंडे पड़ गए भाई साहब। और फोटो तो भाई साहब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी 4 बजने का टाइम हो रहा है लगभग, और यहाँ पे हम लोग फोटो वोटो क्लिक करके टहल वहल लिए हैं, मंदिर ये पीछे रहा ठीक है, और मुझे लगता है काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, तो थोड़ा सा यहीं पर एंड करते हैं, थोड़ा सा नहीं पूरा वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, यहाँ आने का रास्ता भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और इंटरेस्टिंग रास्ता हम लोगों ने चूज़ ही किया था पहली बात तो ये, और देखो शाम सी हो रही थी, वीडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मंदिर था यहाँ का। आप लोग अगर विजिट करते हैं ऋषिकेश या हरिद्वार तो यहाँ पे एक बार जरूर आइए ठीक है, मत पैदल आइए यार, हम लोग पैदल का रास्ता चुने हैं ठीक है, और यहाँ पे आप लोग बाइक कार आ सकते हैं, यहाँ पे मिल जाती है, और बाइक भी यहाँ पे आने के लिए रेंट पे मिल जाती है, वो मुझे मैंने पता नहीं क्या कितना क्या लेते हैं चार्ज उसका, पर रेंट पे मिल जाती है, आप लोग आ सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर हमारे पहली बार आप लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में आएगा बेल आइकन उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर देना, इंस्टाग्राम पे अभी तक आप लोगों ने फॉलो हमें नहीं किया तो यहाँ पे यूजर नेम और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, धमाल मचा दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।